हेलो गाइस, फिर स्वागत है आप सभी का इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रेडी की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रेडी का जो नया अपडेट है वो आ चुका है। और गाइस अभी हम लोग खेल रहे हैं गाइस नए अपडेट के अंदर। तो अभी हम लोग घर की अगर बात करें ना, तो घर के लिए तो कोई खास अपडेट आया नहीं है। तो हमारा घर तो वैसे ही पुराना सा है, पर इसके अंदर भाई बहुत सारे जो नए अपडेट है वो आए हैं। तो जिसके अंदर भाई जुरासिक पार्क का अपडेट है, मतलब जुरासिक पार्क के अंदर अपडेट आया है कुछ। फिर हमारे पास में एंडेवर आ चुकी है, एंडेवर के बाद हमारे पास में एक नया डायनासोर भी है। और डायनासोर के बाद सबसे लास्ट चीज़ जो है गाइस, जो कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि गाइस हमारा आर्मी टैंक था वो भी इसके अंदर आ चुका है। तो अभी सबसे पहले हम लोग चलने वाले हैं जुरासिक पार्क के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अभी हम लोग चलते हैं जुरासिक पार्क, हम लोग आ चुके हैं। और गाइस स्टीयरिंग से बाइक को ड्राइव करना, राइड करना ना बिल्कुल मतलब ईजी टास्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अभी हम लोग आ चुके हैं जुरासिक पार्क के अंदर और देख सकते हो गाइस यार, यहाँ पर अभी कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो नई नई ट्रीज है गाइस उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में, पहले ग्रीन ग्रीन सा हो रखा था बट अभी चलो था येलो ग्रीन है, तो यार वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मुझे देखने में लग रहा है गाइस। ये है जुरासिक पार्क। तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है आप मुझे कॉमेंट करके बताना। और अब बात करें गाइस हमारे जो नेक्स्ट वाले अपडेट की, जो क्या आता है गाइस हमारा डायनासोर का अपडेट। तो यार ये जो डायनासोर है ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होने वाला है, क्योंकि यार इसकी आप लोग राइड जो है वो कर सकते हो। डायनासोर के चीट कोड के लिए ना आपको निकालना है अपना मोबाइल, और उसके लिए आपको डायल करना होगा गाइस 50 और 50। तो आपको 50-50 डायल करना है कुछ इस तरीके से, और देन आपको मिलने का गाइस अपना वेलोसिरैप्टर, हाँ शायद कुछ यही नाम है इसका। हाँ तो नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, बट डायनासोर काफ़ी बढ़िया है। तो आप लोग देख सकते हो मैं इसकी राइड कर पा रहा हूँ यहाँ पर, और गाइस इसको आप इसको चला सकते हो। तो ये डायनासोर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो जिन लोगों को बहुत टाइम से डायनासोर की राइड करनी थी, तो वो अब आपने आसानी से डायनासोर की राइड जो है वो कर सकेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी है और ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये देख सकते हो आप जो डायनासोर। बट ये हम लोग एक और चीज़ चेक करने वाले कि अगर हम लोग डायनासोर के ऊपर बैठ के डायनासोर के पास जाते हैं दूसरे वाले के पास में जो कि यहाँ पर रहते हैं ख़तरनाक वाले, तो क्या वो हम पे हमला करते हैं। बट सबसे पहले अभी हमको मिल चुके हैं डायनासोर के एग। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डायनासोर के कुछ एग रखे हुए हैं, देख सकते हो ये वाले एग। तो चलो ये थे एक। अभी पता नहीं यार एग भी अपडेट के अंदर आए हैं या नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया वैसे तो। बट अभी हम लोग चलने वाले डायनासोर के पास में, बड़े वाले डायनासोर के पास में, क्या वो हम पे हमला करता है कि नहीं। बट अभी तो मुझे सारे डायनासोर को ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर हैं। तो अभी फाइनली मुझे एक डायनासोर मिल चुका है, और अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले कि क्या ये हमें देखते से हमला करेगा। वैसे तो मुझे डर लग रहा है देखते हुए, और गाइस उसने हमें देख लिया है। और ये चल क्यों नहीं रहा है, इसको क्या हो गया भाई हमारे वेलोसिरैप्टर को? चल चल लो भाई, भागा भागा, बचा ले बस बचा ले। तो भाई हमला तो ये करता है, मारेगा कि नहीं मारेगा पता नहीं, बट यार ये तो कन्फर्म हो गया कि यार ये डायनासोर को इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अभी बस ये बचा ले किसी ना तरीके से, तो वो सही रहेगा हमारे लिए। पर अभी मुझे कुछ ओके बिल्कुल भी चांस नहीं है, और यहाँ पर इसने हमें बहुत गंदी तरीके से मार दिया है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पे हमारे घर पे फिर से। और अभी हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट वाले अपडेट की, जो कि आती है हमारी एंडेवर। तो एंडेवर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो उसका जो चीट कोड है वो है 2020। तो यार यहाँ पर और कौन एंडेवर लवर है वो नीचे कमेंट कर देना। और भाई देखो कितनी शानदार लग रही है यार ये एंडेवर, मुझे फॉर्चुनर से ज़्यादा अच्छी एंडेवर लगती है। तो भाई कितने लोगों को एंडेवर पसंद है वो मुझे कमेंट कर देना नीचे। और गाइज़ ये जो एंडेवर आप देख पा रहे हो ना, ये गाइज़ इसका नया वाला जो अपडेटेड फेसलिफ्ट वर्जन जो अभी नया आया है वो है। हाँ इंडिया में नहीं आया, क्योंकि इंडिया में से फोर्ड तो जा चुकी है और एंडेवर भी चली गई है। पर ये जो भाई जो विदेश के अंदर लॉन्च हुआ है ये वो वाला वर्ज़न है। और गाइस ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है बाहर से। अगर बात करें इसके इंटीरियर की, तो वैसे इंटीरियर भी भाई वैसा ही है, बिल्कुल शानदार सी एंडेवर है यार। एंडेवर इसके अंदर गेम के अंदर आ गई है ना, तो गाइस मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे एंडेवर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एंडेवर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसी लगती है एंडेवर कॉमेंट करके नीचे बताना। और अभी ये गाइस हम लोग चला रहे हैं एंडेवर, फील तो सब गाड़ी की सेम है, कोई सी भी चलाओ फॉर्चुनर यहाँ पर या एंडेवर चलाओ। बट यार एंडेवर देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है एज कम्पेयर टू फॉर्चुनर मुझे पर्सनली। और ये गाइस हमारे एंडेवर। तो ये आपका चीट कोड जो मैंने आपको उसको बता दिया, आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो हमारा नेक्स्ट वाला अपडेट है, जो कि भाई काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे, बट पहले मैं हमारी एंडेवर को तो खड़ी कर दूँ, पता नहीं मेरे को चलाने का इसका मन कर रहा है। चलो इसको हम लोग बाद में चलाएंगे, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट वाले अपडेट की, जो कि आता है गाइस हमारा आर्मी टैंक। तो यार आर्मी टैंक के लिए तो भाई पूछो मत, कितनी भसड़ मची पड़ी थी ना, लोग कितने कमेंट कर रहे थे भाई आर्मी टैंक कब आएगा। तो आर्मी टैंक गाइस इस अपडेट के अंदर आ चुका है, और आर्मी टैंक का चीट कोड गाइस मैं आपको देने वाला हूँ। तो आर्मी टैंक के चीट कोड के लिए आपको डायल करना है 4040, और गाइस आपके सामने होगा आर्मी का टैंक। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो टैंक है गाइस ये हमारे पास में आ चुका है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं आर्मी टैंक को चला के यार ये कैसा होने वाला है।
तो अभी इसके अंदर बैठ जाता हूँ। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस कुछ कंट्रोल इसको चलाने के, फिर गाइस एक कुछ फायर करने का है, देन ऊपर भी कुछ है ऊपर नीचे करने के लिए। ओके ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप लोग जो है गोले दाग सकते हैं। देन ये जो इससे लेफ्ट राइट करते हो और ये ऊपर वाले, इनसे हम लोग जो आगे वाले हमारा जो मिसाइल जहाँ से निकलती है, एक्चुअली जो बॉम्ब जहाँ से निकलते हैं उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट एक परेशानी भी है गाइस इसके अंदर कि यार यहाँ पर हमारे पास में निशाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लाइक आपको निशाना लगाने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है, जैसे कि अभी मुझे हो रही है कि अब यार हम यहाँ पर देख नहीं सकते कि आखिर ये जो हमारी जो गोला है यहाँ पे कहाँ पे लगने वाला है। भाई देख सकते हो आप लोग, ऐसे रैंडम आप मारते रहो, एक दो लग जाएगा तो भाई आपकी किस्मत है। पर तबाही मचाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार अभी इसके अंदर तबाही मचाएंगे भाई बहुत सारे लोग, मुझे पता है। इसी के लिए इसका वेट कर रहे थे, बाकी तो आर्मी टैंक का क्या ही करेंगे। तो अभी हम लोग भी आ चुके हैं, तो अभी हम लोग थोड़ी सी तबाही मचा कर देखते हैं कि सच में ये तबाही मचाएगा। डेफिनेटली यार आर्मी टैंक की तो तबाही तो मचाएगा, बट आपको इसका जो निशाना है वो लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देख सकते हैं आप लोग, जो कि मुझे अभी हो रही है कि यार मैं निशाना बिल्कुल भी लगा नहीं पा रहा हूँ, इससे बस ऐसे रैंडम गोले कहीं भी दागे जा रहा हूँ। और कैसे यहाँ पर देखो वाइट वाली गाड़ी आ रही है, तो भाई इसको मैं निशाना ही नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं कहाँ पर जो है फायर करूँ। देख सकते हैं आप लोग, पर अभी मेरे को वही गाड़ी दिख रही है, पर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है पहले तो कहाँ पर मेरा जो गोला है वो लगने वाला है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मुसीबत है सह लेंगे यार। इसके लिए आर्मी टैंक के लिए इतना वेट किया तो थोड़ा बहुत चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इस आर्मी टैंक से तबाही मचा सकते हो। आपको गाइस कैसा लगा आर्मी टैंक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितने लोग इसका वेट कर रहे थे ये भी मुझे बताना, और नए अपडेट में क्या चाहिए, क्या आपको पसंद है गाइस वो भी कमेंट करके बताना। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आप लोग तबाही मचाने वाले हो तो मुझे कमेंट करके बताना आपको आर्मी टैंक कैसा लगा, आपने कितनी तबाही मचाई, कितने लोगों को मारा। तो मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।